अभी जा रही हूँ बैंक अपने यूट्यूब के पेमेंट का कुछ करवाने जा रही हूँ। यूट्यूब से रिलेटेड था कि वो यूट्यूब के पैसों से रिलेटेड तो वो काम करवाने के लिए बैंक में हो चुका है। गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज अपनी फिर से वही रूटीन शुरू हो गई, बेटी का स्कूल सुबह उठना 5:30 बजे और जल्दी से पूरा काम निपटाना। तो अभी हम लोग आ गए यहाँ पे, इसकी वैन का वेट कर रहे हैं कि कितने देर में आती है। तो भाई अभी ढंग से ना सुबह भी नहीं खोली है, मतलब अभी भी रात है, लाइट हमारी कॉलोनी की पूरी ऑन है और मेरी बेटी इतनी सुबह सुबह स्कूल चली जाती है, जब उठता नहीं होगा कोई तब अब लाइटें बंद हुई है। और ये चीज़ मुझे बड़ी ख़राब लगती है कि हम लोग यहाँ पहुँच जाए और गाड़ी वाला 10-15 मिनट लेट हो जाए, क्योंकि कब से हम लोग वेट कर रहे हैं, 15 मिनट हो चुके, गाड़ी वाला अभी तक आया ही नहीं। और अपने आप लेट नहीं होनी चाहिए उन भैया को, वरना वो बोलते क्या कर रहे थे आप लोग इतना लेट। तो अभी देखो अभी आए नहीं के फाइनली माही की गाड़ी आ रही है सामने से। अब माही यहाँ बैठ गई, उठ जा खड़ी, माँ ही चली गई और मैं घर जाके दोबारा सो सकती हूँ, क्योंकि विमान के स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई 9 बजे। तो पर नहीं, ऐसा नहीं कि एक बार उठ गए ना सुबह सुबह, तो वैसे भी हमने 15 दिन तक छुट्टियों में बहुत मस्ती करी है, 8-8, 9-9 बजे सो के उठे हम लोग। और लेकिन अब नहीं, अब एक रूटीन बन जाएगा कि सुबह उठ के अपना काम फटाफट से करना, और बढ़िया है सुबह उठ के, फिर ये है ना कि टाइम से अपना काम निपट जाता है, आप कहीं भी जा सकते कोई भी काम कर सकते। नहीं तो ये होता था कि 8:30 बजे आप ऑलरेडी उठ रहे, तो काम तो आपका 11-12 बजे तक ख़त्म होता था। तो अभी चलो चलते हैं घर, और मेरी भाभी की बहन भी आ रखी है, तो सबके लिए अभी ब्रेकफास्ट वगैरह झाड़ू पोछा करते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ दोनों बच्चों को, और घर का ऑलमोस्ट काम निपट गया, कपड़े भी धुल दिए हैं, मैंने नहीं धुले मशीन ने धुले, लेकिन बाहर मौसम जो है वो बिल्कुल पैक हो रखा, आज धूप बिल्कुल नहीं है, ठंडा है। और मैं आ गई हूँ घर, और सबसे पहले कर रही हूँ मैं भी ब्रेकफास्ट, चाय फौजी मग में, और आज बने हैं स्पेशल फेवरेट, बने हैं आलू के पराठे, गोभी की सब्जी, रात की सब्जी बची थी, सहजवान की चटनी, और इतना भर के गिलास चाय, कप भाई ये मग बोलो आप, कप भी नहीं है, बड़ा सा मग्गा टाइप का है इतनी सी। चलो हम कर लेते हैं अभी पहले ब्रेकफास्ट, और टाइम हो गया 9:30, उसके बाद उसे पोछा रह रखा मारने के लिए, तो तब आराम से बैठ के पोछा मारेंगे। और ये दिख रही है ऊपर मेरी बेटी की बिल्ली जाके अटक रखी है कल लेके आ गई थी ना मार्केट से, अभी जा रही हूँ मैं मार्केट, और जो मेरे काम है वो निपटाने जल्दी से, आई होप हो जाए पूरे। तो चलो अभी जा रही हूँ बैंक अपने यूट्यूब के पेमेंट का कुछ करवाने जा रही हूँ, तो अभी रिस्पना में पहुँच गई हूँ मैं, सामने डिकैथलॉन है, बैंक का काम हो गया, और अभी जा रही हूँ घर, क्योंकि जो भी था अपने यूट्यूब की मनी या जो भी था, और जब मैंने उनको बोला कि मैं ऐसे ब्लॉगिंग करती हूँ तो उसके सिलसिले में आ रखी हूँ, मैं जो अकाउंट वगैरह था उसको लिंक करवाना है, तो मतलब उन लोगों ने ना इतने अच्छे से मदद करी मेरी कि इस तरह से होता है, ये करा सारा काम, काफ़ी अच्छा लगा कि सेंट्रल बैंक का जो मेरा है जहाँ पर, उन लोगों ने बहुत अच्छा वो करा। तो अभी चलते हैं अब घर, अभी मैं हूँ रिस्पनापुर, अभी जा रही हूँ घर, अभी सामने जाना है क्रॉस करके, तो वहीं से मिल जाएगा मेरे को गाड़ी वगैरह, रिक्शा या ऑटो। चलो क्रॉस करना भी एक मुसीबत है भाई, देख क्रॉस ही नहीं हो रहा, सामने से गाड़ी आ रही, इतनी बड़ी बड़ी सामने जाना है, मुश्किल से करा मैंने उधर से क्रॉस। अरे हम मेरे को कि थोड़ा आगे जाके मिलेगा जो रिक्शा है कारगी चौक के लिए, तो मैं आगे जा रही हूँ रिस्पना जो पुल क्रॉस करके थोड़ा आगे जा रही हूँ, वहीं से मिलेगा। दो काम हो गए, एक पैन कार्ड था उसको अपडेट करवाना था अकाउंट में, सेकेंडली अपने जो यूट्यूब की मनी है उसके सिलसिले में भी आई थी वो काम करवाना था, अब हो चुका है, नहीं तो दो दिन मेरे को अजीब सा लग रहा था, हो चुका है गाइस। तो अभी चलते हैं अब घर जल्दी से, क्योंकि बच्चे हैं घर पर, खाना बनाना है जाके, टाइम हो गया 2 बज के। तो चलो गाइस अभी फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और टाइम हो गया एग्जैक्टली 2:45, और जो मेरा काम था वो हो चुका है,
यूट्यूब से रिलेटेड था कि वो यूट्यूब के पैसों से रिलेटेड तो वो काम करवाने की थल बैंक में हो चुका है। बहुत जल्दी अपनी यूट्यूब मनी आने वाली है। और तो मैं कह रही थी ना कि बैंक वाले मतलब इतना अच्छा था, जब उनको बोला कि ऐसे पैसे आ रहे हैं तो कैसे सारा बता रहे हैं, तो बड़े खुश हो गए, जल्दी से काम कर दिया भाई। तो चलो अभी पहुँच गए घर, अब बनाती हूँ। चावल तो बना दिए थे, दाल नहीं बनाई थी तो बनाती हूँ दाल। कुकर का फ़ायदा तो चावल चढ़ा के चले गई थी, देखो चावल बन गए। और दाल में भी दो सीटी और मारूंगे और बनाऊंगे। और टाइम देख लो भाई, वो देखो 2:45। आज पूरी तरह से थक गई हूँ कसम से, पैरों में दर्द हो रही है आज। मतलब इतना भागना पड़ा मुझे जाना, एक बार रास्ते से मुझे वापस भी आना पड़ा क्योंकि मैं ना पासबुक घर पे ही छोड़ के चली गई थी, अकाउंट नंबर मुझे याद नहीं था। हाँ क्या सही से लिखो, ऐसा नहीं लिखना बेटा, वो थोड़ा सा छील लो उसको पेंसिल को। अब इनके साथ बच्चों के साथ मैनेज करना फिर घर का बहुत हो जाता है, पैरों में हो रही दर्द। तो अब आ गई मैं किचन में क्योंकि बनाना है मुझे रात का खाना, और रात के खाने में बन रही है आज पहाड़ी पालक और रोटी बनेगी और कुछ भी नहीं, तीसरी कुछ ऑप्शन ही नहीं बनाने की, हिम्मत भी नहीं है। तो चलो अभी बनाते हैं, पहले खाना बनाना पड़ेगा जी क्योंकि बच्चे हैं। अपने आप तो जैसे तैसे खा पी के सो जाओ, लेकिन बच्चों के लिए नहीं कर सकते, बच्चों को प्रॉपर खिलाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। कि जैसे ही मैंने बच्चों को बोला आज ग्रीन वेजिटेबल बन रहा है तो इनके मुंह सड़े ले हो गए। वेजिटेबल यानी गाजर का हलवा, हरी सब्जी, ग्रीन मतलब हरी सब्जी, तो इनके मुंह सड़े से हो गए। तो मैंने कहा यार इनका के तो मोस्टली बच्चे वैसे हरी सब्जी बहुत कम खाते हैं, तो मैंने कहा कुछ और बनाया जाए, वैसे भी हम लोग एक या दो चीज बनाते ही हैं। तो तब उसके बाद मैंने देखा कि मेरे घर में 10 बार गाजर पड़ी है क्योंकि इसका हलवा, और गाजर का नाम सुनते, गाजर का हलवा सुनते मेरे घर में कैसी लहर दौड़ती है, अभी बताती हूँ। बिबू आज खाने में बन रहा है गाजर का हलवा, तो मेरे घर में ऐसी खुशी की लहर दौड़ जाती, खासकर मेरी बेटी और बेटा कि भाई आज गाजर का हलवा बन रहा है। हाँ अच्छा देखो क्या बन रहा है, तो ये बोलते हैं अच्छा गाजर का, नहीं मैं नहीं लगा रही हूँ, तकिया नहीं लगती यार वहाँ, गाजर का हलवा बन रहा है। तो ये खुशी की लहर हो जाती मेरे घर में, ये खुश हो जाते कि वाह गाजर का हलवा बन रहा है। तो खीर नहीं गाजर का हलवा इनको पसंद है, तो ये इतनी खुशी की लहर हो जाती जिस दिन गाजर का हलवा या खीर बनती है क्योंकि इन बच्चों को बहुत पसंद। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, पहले बना लेते हैं खाना।